2019 इलेक्शन में कहे कि नीरव मोदी मन की वापस आ रहा है, लेकिन आज तक नहीं आया। कहाँ तक आया जो मन की नहीं पता है, वहाँ से रोजगार निकल के आ रहा है। तेजस्वी जी 17 महीने में बहुत कुछ किए हैं। मोदी जी तो अब बेचेंगे, सब कुछ तो बेच दिए है, रोड तो बेच दिए, रेलवे भी बेच दिए, एरोप्लेन भी बेच दिए, अब देखिए ना कोची कोची बेचेंगे, हम लोग को भी बेचेंगे तो नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह। ये हाईवे जो आप देख रहे हैं ये पटना बख्तियारपुर हाईवे है, और मैं इसी हाईवे पर एक लाइन होटल है, शोभा लाइन होटल। दोपहर का वक्त है, हम लोग खाने के लिए रुके थे, खाना खा लिया है। इसी बीच हमारे साथ यहाँ कुछ लोग जुड़े, ये लोकसभा पटना साहब है, मैं आपको बताऊँ। और यही बातचीत के दौरान हमारे साथ कुछ लोग जुड़े जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे, ये यहीं के लोकल हैं, और हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार माहौल क्या है, क्योंकि आखिरी चरण में यहाँ 7वें चरण में मतदान होना है, और उसी मतदान के मद्देनज़र हम समझने की कोशिश करते हैं कि माहौल इस बार क्या है। आप अपना नाम बताएं चाचा। मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। राजेश कुमार जी, राजेश जी, इस बार किन मुद्दों पर मतदान होगा? विकास के मुद्दों पर। तो विकास मोदी जी तो कह ही रहे हैं हम विकास, उनका घंटा भी विकास है, कोई भी विकास नहीं। ये काम भी हमको बता दीजिए जो कि आम जनता गरीब लोगों के लिए कोई काम हुआ है, जैसे वंदे भारत ही चलाएं, वंदे भारत में कौन लोग जाएगा, कौन गरीब जाएगा? किसी तरह का भी ये लोग अपने को हिंदू कहते हैं और गाय बेचने वाली कंपनी से मन की चंदा लेते हैं। तो मोदी जी कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटा दिया, हम अब की 400 पार हैं। रोजगार राम मंदिर से मतलब अथी मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, मंदिर के पास भी भिखारी ही पैदा होता है। तो 400 पार का नारा दे रहे हैं, सो वो तो 900-1000 भी ले आएंगे, पाकिस्तान को अपने में मिला लेंगे, उसको मिला लेंगे, तो कुछ एन से आ जाएगा, कुछ उन से आ जाएगा। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ। नीतीश कुमार, अरे बाप रे। अच्छा नीतीश जी, इस बार का माहौल है, किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? किन मुद्दों पर? तेजस्वी यादव जो है ना, जो महागठबंधन में सरकार बना रहा है कांग्रेस से, वो रोजगार दे रहा है, नौकरी दे रहा है, और गठबंधन है कांग्रेस से, तो हम लोग का यहाँ पटना साहिब में कांग्रेस का सीट मिला है, तो हम लोग तो ऐसे तो फुल दम RJD है, लेकिन कांग्रेस साथ में तो हम लोग तो कांग्रेस को वोट देंगे, काहे कि वहाँ से रोजगार निकल के आ रहा है। तेजस्वी जी 17 महीने में बहुत कुछ किए हैं, और बताइए, आप बताइए कि रविशंकर प्रसाद 5 साल में पटना साहिब में क्या किए? कोई काम नहीं हुआ। क्या किए कुछ तो बताइए। हम तो पहचान नहीं जी? रविशंकर प्रसाद कौन है, आज तक नहीं देखे हैं, टीवी पर एक आध बार मैंने देखे हैं, लेकिन क्षेत्र में तो आज तक नहीं देखे हैं। आए ही नहीं है? आए एकदम नहीं, अभी पहचानते नहीं, अभी यहाँ पहुँच जाएंगे तो हम पहचानेंगे नहीं। 5 साल के कोई ऐसे काम जो आपको लगता हो कि क्षेत्र के लिए हुआ है? कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। स्कूल, शौचालय, बिल्डिंग, कुछ पार्क बना है या बाजार समिति में जगह था, पार्क बनवाया है नीतीश कुमार जी अपने सरकार में। आम आदमी का एंट्री नहीं है, 100 रुपया टिकट है, उसमें घूमने भी नहीं जा सकता, कोई बूढ़ा बुजुर्ग है, अब स्वस्थ टहलने के लिए भी उसमें नहीं जा सकता, मॉर्निंग वॉक के लिए भी नहीं जा सकता। वहाँ पे गर्ल्स स्कूल बन सकता था, बॉयज स्कूल बन सकता था, बहुत कुछ बन सकता था वहाँ में। खेलने के लिए हम लोग को, बच्चा सबको खेलने के लिए कहीं ग्राउंड नहीं है, कहाँ मतलब क्या किए बताइएगा तब ना। आज से देख रहे, बचपन से देख रहे मारवाड़ी स्कूल है, वो बचपन से देख रहे नारायणी, बचपन से देख रहे गांधी, जो हम लोग को घर से 6-5 किलोमीटर दूर पड़ता है, और इधर पूरा सोनामा, पूरा कच्ची दरगाह से लेके और दीदारगंज से लेके पूरा 46 गाँव का बच्चा सब जाता है उतना दूर पढ़ने। यहाँ पे बाजार समिति में आप पार्क बनाइएगा, यहाँ स्कूल नहीं बना सकते थे, आप क्या किए, कहाँ थे? तो मोदी जी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, देश सुरक्षित हाथों में है। मोदी जी तो अब बेचेंगे, सब कुछ तो बेच दिए है, रोड तो बेच ही दिए, रेलवे भी बेच दिए, एरोप्लेन भी बेच दिए, अब देखिए ना कोची कोची बेचेंगे, हम लोग को भी बेचेंगे, तो कर्जा में जाएंगे अब मोदी जी। अब हम लोग पर कहेंगे ना कि जितना भारतवासी हो ना, सब पर 5-5 लाख रुपया कर्जा, अब
सब सधाइए। तो 15 लाख देने की बात थी, आप 5 लाख कर्जा बता रहे हो। आपको मिला 15 लाख? वही से का सतवा पैंटवा मारे हुए है हमारा। तो 15 लाख नहीं मिला, यह गमछी या टी शर्ट ट्राउजर पहन ले। कहिया मिला 15 लाख? कोई के मिला है? कहूँ इतना दूर आप जाते हैं न्यूज करने के लिए, कहूँ मिला 15 लाख? तो वोट किन मुद्दों पर देंगे? वोट वोट देवे नहीं करेंगे मोदी जी के। वोट मुद्दा उनका कौची है? मुद्दा बताइए तो मोदी जी का मुद्दा क्या चीज है? राम मंदिर बनवा दिए, 370 हटवा दिए, तो वो सब आप उसका मुद्दा हो गया। ये मुद्दा अच्छा है, ये मुद्दा हो गया भैया। राम मंदिर बनवा दिए तो इसका मतलब क्या आप ही को वोट दे? हिंदू सब एक साथ दे तो रहा है, हिंदू सब एक साथ दे रहा है तो हम आप ही को दे। राम मंदिर को हम रोज जाते हैं राम मंदिर। आप हिंदू हैं? तो हम कोचे मुसलमान हैं। तो आपको क्यों पसंद नहीं है राम मंदिर? राम मंदिर पसंद है, मोदी जी पसंद नहीं है। राम मंदिर तो भगवान हुए, वो भगवान तो कहूँ मंदिर हम बनवा देंगे तो मतलब कि आप अच्छा होगा। मोदी जी पसंद नहीं है? मोदी जी पसंद, मोदी जी महंगाई बढ़ाए हुए है, गरीब मर रहा है। सबसे पहला बात यह है जी, उनको कहिए कि महंगाई जो चरम सीमा पार कर रहा है ना, सारा गरीब भूखे कितना गरीब मर गया। तो दे तो रहे, 15 लाख देवाइए। उज्ज्वला योजना दे तो रहे हैं? कुछ नहीं दे रहा है, वो सब भोंक रहा है। देते हैं ना, अब भोंकवो करते हैं तेजी से। क्या भोंकते हैं? ब्याज सूद उसका सब जोड़ मोड़ करके लेते हैं, समझे? तब वो दे रहा है, कोई सब कोई फ्री में देता है जी? कोई फ्री में आपको पैसा दे देगा? कहाँ सुने कि फ्री में पैसा दे देगा। तो मोदी जी कह तो रहे हैं अनाज 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, आवास योजना दे रहे हैं, गैस योजना दे रहे हैं, गरीब किसानों को पैसा दे रहे हैं। वो सब उनका नेता खा पी जा रहा है। हेलो, उनका जो जिसको दे रहा है ना जनता को हाथ में आके देते हैं, वो तो अपना मतलब कि कार्यकर्ता को ना दे रहा है जी। तो वो तो कह रहे हैं कि अब कांग्रेस राज में पैसे नहीं जाते थे, अब मोदी सरकार में सीधे अकाउंट में पैसे जाते। अभी भी राज में सबको पैसा मिलता था, वृद्धा पेंशन अथी पेंशन सबको आता था। इसमें मैंने किसको आ रहा, किसको आ रहा पैसा? पैसा ठीक है, मोदी जी दे रहे होंगे, इनका तो सारा कार्यकर्ता का, किनके पास पैसा आया? हमारा पास तो एक रुपया नहीं आया। हमारे पास किसको किसको आपकी वोट देना है? आपको क्या मन बनाए हैं? मन बनाए हुए जी, अच्छा काम का इसका वोट देंगे। तो आपको क्या लगता है, 10 सालों से केंद्र में मोदी सरकार है, आपको क्या लगता है कि अच्छा काम नहीं हो रहा है? अच्छा काम हो रहा है, विकास हो रहा है, मगर गरीब लोग के कहते हैं पैसा तो देवे करते हैं, पैसा आता है खाता में, वृद्धा पेंशन आता है। वृद्धा पेंशन आ रहा है? आ रहा है। तो आप इसके लिए मोदी जी को वोट करेंगे? देखिए ये अच्छा विकास करेगा जिसको वोट देंगे। तो आप कह रहे हैं ना आपके पैसे आ रहे हैं, आप सब ठीक है, थोड़ा सा गरीबों को मुश्किल है, तो मोदी जी कह तो रहे हैं कि राम मंदिर बनवा दिया, 370 हटवा दिया। राम मंदिर बना दिए इससे तो कोई दिक्कत नहीं होती, सबके हिंदू के मंदिर बनेवे किए हैं। तो आप है। किसको चुनिएगा सो बताइए जी। अच्छा काम करेगा जिसको चुनेंगे, जो अच्छा काम करेगा उसको चुनेंगे। हाँ, अमित शाह का बयान था कि सबको वापस मिलेगा, कि सबको पैसा मिलेगा, सब लोग मने के खाता अप टू डेट मने के कराए हुए हैं। हाँ। आवाज तक मने की उसका कोई अथी नहीं है। हाँ। 2019 इलेक्शन में कहे कि नीरव मोदी मने की वापस आ रहा है, लेकिन आज तक नहीं आया, कहाँ तक आया जो मने की नहीं पता। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी की सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप है? मोदी जी सरकार चला रहे हैं, नीरव मोदी जैसे भाग गया ना, आधा पैसा मोदी जी खा गए और उसको माफ कर दिए। और अंबानी और अदानी से सरकार चला रहे हैं, वही लोग जो कहते हैं वही मोदी जी सुनते हैं, गरीब का नहीं सुन रहे हैं। आप क्या कह रहे थे कि आपको हिंदू मुसलमान कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। 5 साल में मैंने 10 साल से हिंदू मैंने खतरा में है। तू कह तो नहीं कि हम जिस दिन मुसलमान की बातें करेंगे, हम जिस दिन मुसलमानों से भेद करेंगे, उस दिन समाज में रहने लायक नहीं रहेंगे? डेली रैली में देख रहे हैं कि बिना हिंदू मुसलमान किए हुए उनका पेट नहीं भरता है। आप किसको चुनेंगे सो बताइए मुझे। कांग्रेस को। कांग्रेस में क्या अच्छा लगता है? कांग्रेस में शुरू से अच्छा लग, जब जब देश आज़ाद हुआ था तब देश में वो सुई भी नहीं बनता था।
आज कांग्रेस ने 70 साल 55 साल जो शासन किया उसमें एम्स बनाया, उसमें बहुत सा चीज़ IIT बनाया, भाभा रिसर्च इसरो बनाया, सब कुछ तो मतलब मैंने उसका ही किया हुआ है। तो मोदी जी कह रहे हैं कि 70 सालों में कोई काम नहीं हुआ, अब उनके कहने से अब उनका अथी है, वो तो सिर्फ हिंदू मुसलमान बस यही सब करना है। ये आप देख रहे थे, मैं यहाँ बख्तियारपुर और पटना का जो हाईवे है NH 30 पे मैं बैठा था, यहाँ एक शोभा लाइन होटल है जहाँ खाने के बाद बातचीत कर रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि इस बार मुद्दे क्या होंगे। साफ साफ यहाँ लोगों का कहना था कि मोदी सरकार, हर समय मोदी सरकार के मुद्दे हिंदू और मुसलमान हैं, उन्होंने मंदिर बना दिया तो उनको लगता है कि देश की पूरी जनता उनके साथ खड़ी है, लेकिन हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं, हम लोग विकास की बात करते हैं। जिस पटना साहब की बात हो रही है, पटना साहब में साफ साफ लोगों का कहना था कि आज तक यहाँ एक स्कूल नहीं खोला गया, बच्चियाँ बच्चे बहुत दूर दूर तक स्कूल और कॉलेज जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं है, 6 किलोमीटर बच्चे दूर जाकर पढ़ते हैं, तो ऐसे में ज़रूरत इनको स्कूल की है, ज़रूरत इनको खेल के मैदान की है, ना कि हिंदू और मुसलमान की है। आप बने रहें महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।